देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर हर दिन लाखों की तादाद में लोग सफ़र तय करते हैं और उन्हीं में से कुछ यात्रियों के साथ अजीब हादसे होते हैं। ये घटना उस समय की है जब कच्ची बस्तियों के गाँव में लाइट की कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी। लोग अक्सर सुनसान अंधेरी रातों में समय बिताते थे। राजगढ़ के निवासी हरलाल देव के साथ हुआ ये हादसा आज भी काफ़ी मशहूर है। रोज रोज अपने काम धंधे की वजह से अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाना अब हरलाल की आदत सी बन गई थी। उसने काफ़ी लंबे सफ़र को भी अंजाम दिया था। एक बार उसे रतनपुर के लिए भी रवाना होना पड़ा और उसका मुख्य कारण था काम में काफ़ी खराबी का पेश आना, क्योंकि लोग सामान के प्रति रिपोर्ट कर रहे थे, लिहाजा हरलाल को नई डील करने के लिए रतनपुर रवाना होना पड़ा। पहले तो उसने सोचा कि वो बस में सफ़र करता हुआ निकल जाएगा, लेकिन जब उसे पता चला कि यह सफ़र ट्रेन से काफ़ी बेहतरीन रूप में किया जा सकता है तो उसने ट्रेन से निकलना ही बेहतर समझा। उसके गाँव में ही एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम पिपराल रेलवे स्टेशन है। खैर, यहीं से शुरू हुई थी हरलाल की एक खौफनाक दास्ता। उस दिन हरलाल देव अपने घर से पूरा सामान पैक करके बस जाने की फिराक में ही थे और शाम होते होते हरलाल देव अपना संपूर्ण सामान लेकर प्लेटफार्म पर दाखिल हुए। वो जिस ट्रेन में सवार होने वाले थे वो ट्रेन उस रात की आखिरी ट्रेन थी, जिस वजह से हरलाल देव रात के लगभग 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन अभी भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। ट्रेन को काफ़ी देरी हो चुकी थी। एकदम भीड़भाड़ वाली वो जगह अब वीरान होने लगी। अब धीरे धीरे रात के लगभग 11 बज चुके थे। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम खामोशी में डूब चुका था। स्टेशन पर बस कुछ गिने चुने यात्री ही नज़र आ रहे थे और कुछ देर के बाद ही पता चला कि बस आधे घंटे के अंदर ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुँच जाएगी, जो एक अच्छी खबर थी। लेकिन हरलाल को जल्द ही अपने स्थान पर पहुंचना था। अब ट्रेन भी अपने प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी थी। हरलाल देव अपना सामान उठाते हुए ट्रेन की बोगी नंबर 17 के अंदर दाखिल हुए। लंबी यात्रा तय करने वाले काफ़ी कम लोग थे, जिस कारण थोड़ा सफ़र तय करने के बाद ही ट्रेन में एक चुप्पी सी छाने लगी थी। जहाँ कुछ देर पहले काफ़ी लोग बोगी में यात्रा कर रहे थे तो अब बोगी भी एकदम खामोश थी। हरलाल के अलावा बोगी में कुल 2 और लोग थे। उन्होंने सोचा कि शायद इनकी भी काफ़ी लंबी यात्रा होगी, जिस वजह से यह लोग अभी भी ट्रेन के बोगी में बैठे हुए थे। लेकिन कुछ देर के बाद ही वह दोनों भी ट्रेन से नीचे उतर गए। सफ़र काफ़ी लंबा तय करना था और ऊपर से उस बोगी के सारे लोग नीचे उतर चुके थे। उसके अंदर सिर्फ अकेले हरलाल देव ही बचे हुए थे। फिर कुछ देर के बाद ही ट्रेन की बोगी नंबर 17 के अंदर अफरा तफरी का माहौल सा मच गया। उस वक्त हरलाल अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे कुछ अलग ही अनुभव होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन के अंदर भगदड़ सी मच गई हो। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ का माहौल देखा तो उन्होंने पाया कि जहां पर कुछ देर पहले पूरी की पूरी ट्रेन खाली नजर आ रही थी, तो अब उस बोगी के अंदर बहुत सारे यात्री बैठे हुए थे, मगर फिर भी एक चुप्पी सी छाई हुई थी। लिहाजा हरलाल देव अपनी सीट से उठे और नीचे उतरकर बोगी का माहौल देखने लगे। उन्होंने देखा कि ट्रेन का माहौल एकदम शांत है। ठंडी ठंडी हवाएं उस गर्मी के माहौल में काफ़ी राहत की सांस दे रही थी। लेकिन अब भी हरलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले सुनसान पड़े उस ट्रेन के अंदर इतने यात्री कहाँ से मौजूद हो गए। वही बात पूछने के लिए हरलाल एक यात्री की ओर चल पड़ा, लेकिन तभी उसके सामने एक कटा हुआ हाथ धड़ाम से आ गिर पड़ा। वह हाथ ऊपर की ओर से नीचे गिरा था, जिस वजह से हरलाल ऊपर की तरफ देखने लगा। लेकिन ये क्या, ऊपर का पूरा माहौल एकदम शांत था। तभी उसने देखा कि बोगी के सारे लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन उसे अपने पीछे की ओर से किसी के खिसकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लिहाजा जब वो पीछे पलटा तो वो एकदम से कांप उठा, क्योंकि उसने पाया कि पीछे की तरफ एक आदमी जिसका शरीर काफ़ी डरावना था। दरअसल उसने अपने पूरे शरीर पर कपड़े ही नहीं पहन रखे थे। देखने में वो काफ़ी भयानक लग रहा था और ऊपर से उसका छिला हुआ शरीर इस डर के अंदर दहशत को पैदा कर रहा था। लेकिन असली खौफ का सामना तो उसे तब करना पड़ा जब उसने पाया कि
पीछे की ओर सिर्फ एक भयानक आदमी मौजूद नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा समूह एक साथ में था। इतना भयानक नजारा एक आम इंसान को डराने के लिए काफी होता है। हरलाल का गला सूख चुका था, उसके होठों पर पपड़ियां जमने लगी और वो डर के मारे पीछे की तरफ खिसकने लगा और वो उसी वक्त वहीं नीचे गिर पड़ा। उसका सर जोर से एक सीट से टकराया, जिस वजह से उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। और फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह अभी भी ट्रेन की बोगी नंबर 17 में लेटा हुआ था और इस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। पहले की तरह अब भी उस बोगी का माहौल एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन डर और खौफ हरलाल के सर पर काफी जोरों से सवार हो चुके थे। उसे हर जगह पर कोई ना कोई प्रेत खड़ा दिखाई देता। उसके दिल में खौफ काफी भयानक रूप से बैठ चुका था। वह जल्दी से जल्दी इस ट्रेन से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन ट्रेन से नीचे उतरने के लिए ट्रेन को किसी छोटे स्टेशन पर रुकना होगा, और जब भी कोई स्टेशन आता तो पता नहीं कैसे उसकी आंखें बंद हो जाती और वो एक गहरी नींद में चला जाता। फिर उसने दूसरी बोगी के दरवाजे को खोलने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वह दरवाज़ा खुला नहीं। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक छोटा सा स्टेशन दिखा, और जैसे ही ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई तो वह तुरंत ही ट्रेन से नीचे कूद गया। उस ट्रेन से नीचे कूदने के बाद उसने पाया कि वह एक काफ़ी छोटे से स्टेशन पर उतर चुका है, लेकिन तभी ट्रेन का टीटी भागता हुआ उसके पास पहुंचा। फिर हरलाल ने उस ट्रेन के टीटी को अपने साथ हो रहे सारे हादसे के बारे में बताया, लेकिन उस टीटी को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उस टीटी ने हरलाल को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। दरअसल वह उसे एक दूसरी बोगी में बैठाने वाला था जो पूरे तरीके से सुरक्षित थी, और बिना कुछ सोचे समझे मौत के मुंह से निकल कर आया हरलाल फिर से उस टीटी की बातों में आ गया, और फिर वह ट्रेन का टीटी उसे लेकर ट्रेन में पहुंच गया। दरअसल वह टीटी हरलाल को लेकर एक दूसरी बोगी में पहुंचा था। उस बोगी के अंदर का माहौल काफ़ी हद तक एकदम सही लग रहा था, लेकिन बाद में जो होने वाला था उसके बारे में हरलाल ने कभी सोचा तक नहीं था। जैसे ही वह टीटी उसे लेकर उस ट्रेन में दाखिल हुआ तो अचानक से उसके हाव भाव एकदम से बदलने लगे। कुछ देर पहले जिसका चेहरा चिंता में डूबा हुआ था, अब वह अपनी बुरी मुस्कुराहट के साथ हरलाल को अपने पीछे पीछे आने का इशारा करने लगा। हरलाल बिना सोचे समझे उसके साथ उस बोगी में दाखिल हुआ, जिसके अंदर खून ही खून फैला हुआ था। इतना देखते ही वह अच्छे तरीके से समझ चुका था कि वो खतरे से निकलकर नहीं आया, बल्कि खुद खतरा उसके पास चलकर आया था। वह तुरंत ही पीछे पलटा, लेकिन तब तक उस बोगी का दरवाजा पूरे तरीके से लॉक हो चुका था। अब हरलाल अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उस दरवाजे को खोल ही नहीं पाया। इसका मतलब अब उसकी मौत बिल्कुल तय थी, क्योंकि दरवाजा इस कदर लॉक हुआ था कि कोई भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद उस दरवाजे को खोल ना पाए। फिर उसे अपने पीछे की ओर से धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब वो पीछे पलटा तो उसने पाया कि एक कटा हुआ सर जमीन पर गिरा है, जिसके अंदर से खून बह रहा था। अब वह पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि वह पहले भी ऐसी खौफनाक शक्तियों का सामना कर चुका था। फिर वह टीटी उस बोगी में पहुंचा तो हरलाल गुस्से से तिल मिलाते हुए उस टीटी की ओर बढ़ा और उसका गला पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार हो गया। फिर वो इस बात से वह समझ चुका था कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत है, और उसे किसी भी तरह इस ट्रेन से तो निकलना ही होगा। कुछ देर के बाद ही उस बोगी के अंदर अचानक से अंधेरा छाने लगा और उसे रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। शायद वह उसकी मौत का पहला संकेत था। उस घनघोर अंधेरे के अंदर कोई उसकी तरफ अपने कदम पटकते हुए बढ़ने लगा, और फिर किसी ने उसका गला दबोच लिया, जिस कारण उसकी आंखें चढ़ने लगी। उसे अपनी मौत बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी थोड़ी हिम्मत दिखाई और किसी तरह अपना गला छुड़वाया, और तभी उसकी नज़रें बोगी के जस्ट ऊपर क्लोज नाम पर पड़ी। उसने उछलते उस बटन को दबा दिया और अपनी जबरदस्त सूझबूझ की वजह से हरलाल नाम का यह शख्स जल्दी से उस बोगी से बाहर निकल गया और भागते हुए वो दूसरी बोगी में पहुंच गया। अच्छी बात तो ये थी कि उस बोगी के अंदर 4 से 5 लोग बैठे हुए थे। वो तुरंत ही उन्हीं के पास पहुंचा और उनसे मदद की प्रार्थना करने लगा। उन लोगों को उसने पूरी बात बताई तो वो सारे लोग
पूरी रात हरलाल के बगल में ही बैठे रहे और उसको धैर्य देने की वो कोशिश करने लगे। फिर धीरे धीरे वो सफ़र भी ख़त्म हुआ और वो अपनी डील करने में भी सफल हो गया। लेकिन जब इस घटना का वार्तालाप एक स्टेशन मास्टर के साथ किया गया, तब जाकर उसने बताया कि उस ट्रेन के अंदर एक टीटी की बुरी आत्मा निवास करती है। जब कुछ साल पहले इस ट्रेन में एक टीटी की ड्यूटी थी, मगर वो गंदी हरकतों से पेश आने लगा। लेकिन कई बार उसने कई लोगों की किडनियाँ तक बेच दी थीं। लेकिन जब ट्रेन में सवार लोगों को इस हरकत के बारे में पता चला, तो लोगों ने उसके ऊपर मारपीट करना शुरू कर दिया और उसी मारपीट के अंदर वो टीटी ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी उसी वक्त मौत हो गई। दोस्तों कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उसी ट्रेन में अपना बदला लेने की कोशिश करती है। अगर आप भी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कृपया सावधान रहें। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।